हरे कृष्णा फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स को ये जो क्विज़ दिया जाता है YouTube पर किसी गाने को सुनकर उस गाने का सा यानी उस गाने का स्केल पहचानना होता है और उस गाने में लगे हुए जो मेन स्वर्स हैं, जो मेन नोट्स हैं, उनको पहचानना होता है। किसी भी गाने का स्केल सही तरह पकड़ पाना ये अपने आप में एक खूबी है। मैं इन विद्यार्थियों को वो गाने के नोटेशन बिल्कुल नहीं पूछता, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो ठीक स्केल यानी उस गाने का सा पकड़ पाते हैं या नहीं और उस गाने में लगे हुए जो मेन नोट्स होते हैं, मेन स्वर होते हैं, वो समझ सकते हैं क्या नहीं। ये जब विद्यार्थी समझ पाने लगते हैं तब उनको गाना बजाना आसान हो जाता है। उनको नोटेशन लिख कर देने की ज़रूरत नहीं होती। ये स्टेज आ जानी चाहिए जब आप किसी नोटेशन पर डिपेंड नहीं रहोगे, आप गाने सुनकर अपने आप वो नोटेशन बना पाओगे। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो को आप देखिए जिसमें ये बहुत आसान तरीका समझाया गया है जिससे आप किसी भी गाने का सा या किसी भी गाने की पट्टी या स्केल ठीक तरह से पहचान पाओगे। आमतौर पर गाने की पहली लाइन जहाँ पे आकर रुकती है, जहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, वो होता है सा। 98% केसेस में ऐसा होता है। इसकी अधिक जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है गीत की पट्टी कैसे पहचानते हैं वो देखोगे तो अधिक जानकारी आपको मिलेगी। तो इस गाने में जो कल मैंने मेरे विद्यार्थियों से पूछा था, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, इस गाने का सा कौन सा है और मुख्य नोट्स कौन से हैं? इस गाने की पहली लाइन कहाँ कंप्लीट होती है? वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। ये है इसका सा। जी शार यानी काली चार पट्टी, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा नी ध प। ये हमारा प्रोसेस है, मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक के सा तक जाना और फिर मध्य सप्तक के सा को आकर नीचे मंद्र के प तक जाना। तो अब इसमें कौन से स्वर लगे हैं? सा 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 रे ग कोमल, म प ध कोमल, नी कोमल, सा सा नी ध प म ग रे सा नी ध प। इसका अंतरा कैसा है? ¶¶